सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इस वक्त हम दादर एंड नगर हवेली और आज हम देखने वाले हैं जो कि वडोदरा विरार सेक्शन का अपडेट, जो कि दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे। और दोस्तों ये अपडेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हम पैकेज की बात करें तो पैकेज 10 का अपडेट हम देखने वाले हैं, जो कि वापी इंटरचेंज है और ये तलासरी इंटरचेंज को कनेक्ट करता है। तो अभी हम यहाँ से स्टार्टिंग करने वाले हैं और जाने वाले हैं हम जो वापी की साइड में, यहाँ पर कितना काम हमें देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, आपका बिना वक्त गवाए दोस्तों। दोस्तों हम वीडियो की शुरुआत जो कर रहे हैं वो दादरा एंड नगर हवेली से कर रहे हैं। और अगर आप देखें गुजरात की साइड में, ये थोड़ा सा ऐसे गुजरात में आता है, उसके बाद में महाराष्ट्र स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो मेन रोड है ये दादरा एंड नगर हवेली में जाता है और इस तरह बिलुसा इंडस्ट्रीज की तरफ जाता है। तो यहाँ पर आपको दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे का, जो कि हम वडोदरा विरार सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा काम आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। यहाँ पर अंडरपास वगैरह आपको देखने को मिल रहे होंगे जो कि बनाकर रेडी कर दिए गए हैं। और यहाँ पर अभी तक अलाइनमेंट का काम कुछ भी स्टार्ट हुआ नहीं है, और जो कि यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत अर्थवर्क का काम देखने को मिल पा रहा होगा दोस्तों। इस तरफ सीधा है गुजरात का अपडेट अभी हम देख रहे हैं और वापस हम चलेंगे दादरा नगर हवेली की ओर दोस्तों। तो अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर खाली लैंड एक्विजिशन का काम कंप्लीट है और जो अंडरपास है वो सब बनाए जा रहे हैं। और यहाँ पर अभी जो है अर्थवर्क का काम काफ़ी ज़्यादा बाकी है दोस्तों। यहाँ पर जो है काफ़ी ये पैकेज काफ़ी स्लो है सेक्शन ही वाला वडोदरा से लेके, और जो कि वडोदरा से भरूच तक तो काफ़ी सारा का पूरा बन के कम्प्लीट है। और जो अंकलेश्वर से लेके और जो विरार का सेक्शन है ये काफ़ी स्लो है, यहाँ पर आपको काफ़ी कम काम देखने को मिलेगा दोस्तों। ये कुछ इस प्रकार के अंडरपास बना जा रहे हैं जगह जगह पर, और यहाँ पर गटर्स वगैरह आप देख सकते हैं, गटर्स वगैरह बन के रेडी हो चुके हैं। और ये इनको लॉन्चिंग का काम बहुत ज़रूरी, क्योंकि यहाँ पर जो मेन रोड है उस जगह पर ये फ्लाईओवर का काम किया जाएगा दोस्तों। दोस्तों अभी आप जो अपडेट देख रहे हैं ये दादरा नगर हवेली की तरफ से हम अपडेट देख रहे हैं, और अभी इसके पहले हमने देखा था हमने जो कि गुजरात की साइड का और महाराष्ट्र की साइड का। तो आप दादरा नगर हवेली में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ज़्यादा काम भी कुछ देखने को नहीं मिल पा रहा होगा, क्योंकि ये सेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्लो है। और बात करें हम नवसारी की साइड में तो वहाँ पर काफ़ी सारा काम तेज़ी से किया जा रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडरपास हो गए या फिर फ्लाईओवर वगैरह, इनका काम काफ़ी ज़ोरों शोरों में किया जा रहा है दोस्तों। तो जबकि इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कास्टिंग यार्ड है, यहाँ पर सेगमेंट वगैरह बनाए जाएंगे इस एक्सप्रेस वे की। देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्क्रीट का सामान यहाँ पर रखा हुआ है, और इस तरफ देख सकते हैं यहाँ पर मिट्टी को लेवल किया जा रहा है। इस जगह पर आप देख सकते हैं सरियों का स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, जो कि पेयर बनाने के लिए काम आने वाले हैं दोस्तों। तो इस साइड देखेंगे आप, अभी हम जा रहे हैं डायरेक्ट दादरा नगर हवेली की तरफ से वापी की सेक्शन में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य किया जाएगा, क्योंकि ये जो आप रोड देख रहे हैं ना दोस्तों, इस तरफ जा रहा है सीधा NH 48 को कनेक्ट करेगा, और इस तरफ जाएगा ये सेलवासा की ओर दोस्तों। और यहाँ पर फ्लाईओवर बनाया जाएगा, उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इस जगह पर लेबर रेडी कर दिया गया है, और अभी यहाँ पर काम स्टार्ट हुआ नहीं है जो कि फ्लाईओवर का, और वहाँ पर आपको बहुत जल्दी ये काम आपको देखने को मिलने वाला दोस्तों। दोस्तों यह एक्सप्रेस वे दिल्ली के सोना से स्टार्ट होता है और कनेक्ट करता है स्टेट हाईवे महाराष्ट्र के 1 को,
और दोस्तों ये 1350 किलोमीटर लंबा भारत का एक ऐसा एक्सप्रेसवे है जो कि 8 लाइन के साथ साथ भविष्य में इसको 12 लाइन तक का बनाया जाएगा और तकरीबन यह 1 लाख करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। दोस्तों यह 2 फेज में तो ओपन कर दिया गया है, जैसे कि सोना से लेके और अब 200 तक पूरा ओपन कर दिया गया है, और उसके बाद में दोस्तों MP का जो 244 किलोमीटर लंबा हिस्सा था वो भी ओपन कर दिया गया है। और दोस्तों ये पूरा एक्सप्रेसवे तकरीबन 2024 दिसंबर में बनने के चांसेस हैं, और नहीं तो फाइनल 2025 में बनके रेडी हो जाएगा। दोस्तों हाल ही में सामने न्यूज आई है, हमारे रोड परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने खुद कहा है कि इस एक्सप्रेसवे पर जो 2 लाइन बनाई जाएंगी इलेक्ट्रिक वाहन की बनाई जाएंगी, और जो कि पेंटाग्राफी के जरिए से आपने ट्रेन में देखा होगा पेंटाग्राफी की तरह ही यहाँ पर जो है उन्हें ट्रक वगैरह चला जाएंगे, जिससे कि हमें 70% कॉस्ट और जो किराए की बचत होगी, जो सामान लोडिंग का खर्चा आता है वो 70% कम हो जाएगा। और यहाँ पर स्पेशली 2 लाइन बनाई जाएंगी, एक अप और एक डाउन के लिए, जो कि इलेक्ट्रिकल ट्रक्स वगैरह चला जाएंगे दोस्तों उसके ऊपर। तो ये सेलवासा वाला मेन रोड है, इस तरफ सीधा जाता है ये वापी की सेक्शन में, और इस तरफ जाता है सीधा सेलवासा की तरफ, और इस तरफ सीधा जा रहा है ये दादर नगर हवेली जो अभी जिस जगह पर अभी हम हैं, और इस तरफ सीधा जा रहा है वापी के लिए। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं दमनगंगा रिवर के पास, यहाँ पर अभी इस एक्सप्रेसवे का आप देखेंगे तो आपको अलाइनमेंट का काम अधूरा देखने को मिल पा रहा होगा, और यहाँ पर अभी दोस्तों सिर्फ अर्थवर्क का ही काम पूरा कंप्लीट हुआ है, वो भी कंप्लीट पूरी तरीके से नहीं हुआ है, यहाँ पर अभी लॉन्ग अलाइनमेंट काफ़ी बाकी है। और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर अभी आप इलेक्ट्रिसिटी पोल्स वगैरह देख रहे होंगे ना, इनको भी अभी शिफ्टिंग करना बाकी है, क्योंकि यहाँ पर अभी काम बहुत कम स्टार्ट हुआ है। हालाँकि यहाँ पर आपको मैं बता दूँ दोस्तों ये बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सूरत और वलसाड़ के बीच में काफ़ी अभी अधूरा हिस्सा बाकी, हालांकि सूरत के पास तो थोड़ा बन के रेडी है, लेकिन वलसाड़ में भी इसका काम काफ़ी अधूरा है। वलसाड़ में तो अभी जो है जगह भी साफ सफाई नहीं की गई है, जगह खाली सेट भी नहीं की गई है, क्योंकि वहां पर भी अभी काफ़ी लेट है दोस्तों। हालांकि 2025 में इसके पूरे बनने के चांसेस हैं, और इस जगह पर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर अंडरपास वगैरह बनाए जा रहे हैं, वो भी अधूरे आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रहे होंगे दोस्तों। Pink champagne, I'm totally vibing. It's true what they say, it's all about timing. I'm doing okay, for the first time in a while. Can't help but love my style, just caught in the feeling. So much glitter, you can't forget her. A superstar, like ooh, we just get. अभी हम बढ़ रहे हैं दिल्ली की साइड में, अभी हमने देखा था सीधा जो मुंबई की साइड का, अभी दिल्ली की साइड में देखेंगे तो ये है दमनगंगा रिवर, और यहाँ पर अभी ब्रिज का कुछ भी काम स्टार्ट हुआ नहीं है, यहाँ पर खाली आप देख रहे होंगे दोस्तों जो कि यहाँ पर लैंड वैकेशन का ही काम कंप्लीट हुआ है, और अभी भी यहाँ पर अर्थवर्क का काम पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। इस जगह पर आपको काफ़ी अधूरा काम देखने को मिल पा रहा होगा, जब ये रेडी होगा तब भी आपको समय समय पर अपडेट देखने को मिलते रहेंगे। ये दादरा शहर है, इसका हिस्सा आपको देखने को मिल पा रहा होगा दोस्तों अभी। ये दमनगंगा रिवर है जो कि आप देख पा रहे होंगे, इस पर ब्रिज का कारण निर्माण स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ भी काम स्टार्ट हुआ नहीं है, और ये सीधा हम जा रहे हैं वापस से दिल्ली की साइड में, तो ये दादरा का हिस्सा है जहाँ पर आपको ये पूरा लैंड डेवेकेशन का काम कंप्लीट देखने को मिल पा रहा हुआ है। यहाँ पर भी अभी कुछ भी काम स्टार्ट हुआ नहीं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसके आगे फिर से एक मेन रोड आएगा जो कि NH 48 यानी वापी को कनेक्ट करता है, और इस तरफ जाता सीधा महाराष्ट्र की साइड में दोस्तों, तो आप देखेंगे अभी आगे के चल के दोस्तों।
वैसे इस एक्सप्रेसवे का नाम है नेशनल एक्सप्रेसवे 4 और दिल्ली बड़ौदा मुंबई एक्सप्रेसवे। और दोस्तों ये हमारे भारत का सबसे पहला एक्सप्रेसवे है जो कि इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाला, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल वाहन के लिए इस पर अलग से बनाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर पूरा जैसे कि अपने अभी आपने देखा था 3D में एनिमेशन के जरिए जो पेंटाग्राफी होती है रेलवे इंजन की, उसी प्रकार से यहाँ पर बनाया जाएगा। दोस्तों दोस्तों दमनगंगा जो रिवर है इसके पास हम लगभग 6 महीने पहले आए थे, तब भी यहाँ पर सेम काम हमें देखने को मिला था और आज भी हमें यहाँ पर सेम काम देखने को मिल पा रहा होगा। और यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर बुलेट ट्रेन के आपको पेयर्स नज़र आ रहे होंगे और जो बुलेट ट्रेन का जो स्टेशन बनने वाला डोंगरा में, तो वो भी यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा देखने को मिल पा रहा होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी है और वहाँ पर उसका ब्रिज का कार्य किया जा रहा है दोस्तों। और यहाँ पर अभी देख सकते हैं यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे का ब्रिज निर्माण किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर अभी स्टार्ट हुआ नहीं है दोस्तों। इस जगह पर आप ये देख रहे हैं बिजली के पिलर, तो इनको भी अभी शिफ्टिंग का काम बहुत ज़्यादा हुआ है, बाकी ये भी क्योंकि यहाँ पर अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है तो इनको भी दूसरी जगह पर अभी शिफ्ट किया जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों बिजली की वायर जो है और इन पोल्स को एक साइड में सेट किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्योंकि लेवल काफ़ी ज़्यादा ऊँचा रहने वाला है, क्योंकि इसके आगे जो ब्रिज आने वाला है दमनगंगा का ब्रिज बनाया जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का दोस्तों। और यहाँ पर ये अंडरपास का काम अभी किया जा रहा है जोरों शोरों में दोस्तों इस वक्त। यहाँ पर बनाया जा रहा है अंडरपास, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको 5 से 6 किलोमीटर तक का टारगेट बताया था, लेकिन हम पहुंच चुके हैं 9 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करते हुए। और ये पीछे मेरे आप देख रहे हैं दमनगंगा रिवर है जिसके ऊपर यह ब्रिज बनाया जा रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। सामने का जो आप हिस्सा देख रहे हैं वो दादरा है, दादरा नगर हवेली का हम पीछे छोड़ के आए थे और गुजरात के हम छोटे से हिस्से में हैं इस वक्त अभी हम। और ये दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि इस हिस्से में अभी कुछ भी काम स्टार्ट हुआ नहीं है। आप सभी के काफ़ी सारे कमेंट आते हैं, कमेंटों के मुताबिक मैं अपडेट आपको दिखाने के लिए आया था। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं जल्द एक नए ब्लॉग में दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।